प्रणाम, अहाँ हमरा स्टेशन पर एलहुँ, बड़ नीक लागल। प्रणाम, हमर नाम निश्चल अभिषेक छै। जैक्सन हॉल्ट मे ऋषिराज के कैरेक्टर हम केने छी। नितिन सर को मैं काफी टाइम से जानता हूँ, हम लोग फेसबुक पर कनेक्टेड थे। तो ऋषिराज का कैरेक्टर ऐसा कैरेक्टर था जो कि एक NRI है, विदेश में रहता है, आया है 3-4 दिन के लिए, आता है और कुछ जल्दी जल्दी उसको कुछ काम करना है अपने गांव में और निकल जाना है, और वो यहाँ फंस जाता है। पहली बार जब यहाँ से पता चला कि हम मधुबनी में शूट करने जा रहे हैं, तो थोड़ी एप्रिहेंशंस थे कि वहाँ पर तैयारी कैसी होगी, लोग कैसे होंगे, चीज़ें कैसी होंगी, कितने प्रोफेशनल होंगे लोग, और किस तरह से एक पूरी फीचर फिल्म कैसे होगा। रूम बहुत डिफिकल्ट है शूट करना, यहाँ पे हमारा तकरीबन 70% फिल्म है और शूट डिजाइन करना बहुत डिफिकल्ट था। देखते हैं ऐसा माहौल बन गया था लॉकडाउन के कारण, घर ही में रहते थे, अपने कमरे में ही रहते थे, और कहानी में भी कुछ ऐसा है कि कमरे में ही, एक कमरे में ही मैक्सिमम चीज़ें हो रही हैं। वन ऑफ द एसोसिएट प्रोड्यूसर है ऋषि राज, तो ऋषि दरभंगा में था, और एक और राइटर जिनसे हम लोग की बात हुई थी शिवम, तो शिवम भी कहीं गाँव में रहता था, तो हम लोग ऑलमोस्ट डेली रात में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करते थे। और मानसून का भी महीना आ गया था, 2020 का मानसून, फिर 2021 का मानसून, उसमें हम लोग घुस गए स्टेशन मास्टर, और ऐसा लग रहा था सब आसपास ही हैं मेरे, घूमते रहते हैं। मतलब एक ऐसा स्टेज आ गया था कि डायलॉग लिखते समय भी कैरेक्टर आपस में खुद ही बात कर रहे होते थे। नमस्कार, मेरा नाम अर्चित रस्तोगी है और मैं फिल्म जैक्सन हॉल्ट का एडिटर हूँ। नितिन के साथ मैं 2009 से जुड़ा हुआ हूँ, और 2009 में जब वो अपनी पहली फिल्म देसवा बना रहा था और उन्होंने मुझको पहली बार कांटेक्ट किया इस फिल्म को एडिट करने के लिए, तो मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था कि क्या मुझे भोजपुरी फिल्म एडिट करनी चाहिए। तो मैंने कहा एक बार मिल के देखते हैं, और जब मैं उनसे मिला पहली बार तो मैंने देखा कि जो उन्होंने प्रिपरेशन करी हुई थी अपनी फिल्म की शूटिंग के लिए, जो उन्होंने प्री प्रोडक्शन किया था जिस लेवल का, वो देख के मैं नहीं कह सकता था कि ये भोजपुरी फिल्म है, मेरे लिए वो एक सिनेमा था। करिया चश्मा क्या पहनना छी रे? पिंटू का अलग जी निम्मा लागे है। पिंटू के चश्मा दुकान वाला। नितिन का जहाँ तक काम करने का तरीका है, बहुत वेल रिसर्च्ड बंदे हैं, वो अपने कहानी के हिसाब से अपने रिक्वायरमेंट को फिक्स करते हैं। सेट पे जाने के पहले उनका पेपर वर्क बहुत स्ट्रांग होता है और बहुत क्लियर होते हैं। मैंने इनके साथ पहले भी बहुत सारे म्यूजिक वीडियोस में काम करे हैं, और काम करते समय उनका एक्सपीरियंस, उनके साथ बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। बहुत कुछ उनके आइडियाज़ जो होते हैं बहुत इनोवेटिव होते हैं, ही इज़ वेरी मच क्लियर, और वो पूरा सपोर्ट होता है उनका। अगर टीम में किसी की भी कोई आइडियाज आते हैं तो वो उसके लिए ही रेडी फॉर डैट, वो उसको सुनते हैं और लगता है कि हाँ ये अच्छा आइडिया है, तो उसको वो टीम के साथ बैठकर डिस्कस करते हैं। विद्यापति का पर आचरे वदन झपा वह गोरी, राज सुने चांदक चोरी, घर घर प्रहरी गेल जोही, एखने दुखन लागत तुही। साक्षात विद्यापति हमरा आए कि सोझा उपस्थित भ गेल छथि। नमस्कार, मेरा नाम प्रेमचंद महतो है और मैं इस फिल्म का एज ए आर्ट डायरेक्टर, कला निर्देशक के रूप में मैंने काम किया है।
जिस जगह सेट लगाया मैंने कार, तो वहाँ तक माहौल ही नहीं है बिहार में, और उसको माहौल बनाने के लिए उसके साथ नए लोगों को ये बताना है, बनाने के साथ सिखाना है कि सेट होती है, सेट बनाया जाता है। अब कोई फील नहीं होगा कि भाई वो जगह जिसका हमने डायरेक्टर साहब ने जैसा अपने हिसाब सोचा निर्देश किया कि एक रूम बनाना है मतलब स्टेशन मास्टर का, तो आपको मिलेगा फिर। और वहाँ पे जो हॉल्ट होते हैं छोटे से बिहार में जहाँ हम लोग कर रहे हैं, तो उससे अगल बगल में हॉल्ट होती है, तो हॉल्ट मैंने जाके देखा, सर्वे किया, और जहाँ मैं प्रॉपर लखीसराय जहाँ हूँ वहाँ से स्टेशन का हॉल्ट का मैंने 20-25 लिया, फिर रेफरेंस मैंने लिया, उसके बाद लगा एक रास्ता क्या हो सकता है। नितिन ने मुझे एक बार अपने घर पे बुलाया, उन्होंने मुझे जैक्सन हॉल्ट की स्टोरी सुनी, काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी लगा। और उसके बाद नितिन ने बोला, विकास दिस इज गोइंग टू बी इन मैथिली। हमारी डिस्कशन चालू हुई टेक्निकल पार्ट पे कि लुक कैसा हो। उन्होंने बताया कि विकास मुझे ग्रीन वार्म टोन चाहिए था। उसके बाद हमारा फिर कैमरा टेस्ट शुरू हुआ। नितिन को ये चाहिए था कि जो ऑडियंस है उनकी भी, चूंकि ये साइकोलॉजिकल क्राइम थ्रिलर फिल्म है तो उनकी भी ऑडियंस की भी इन्वॉल्वमेंट उनको इस फिल्म के दौरान चाहिए था। हम लोगों ने इजी रिग पे एक कैमरा टेस्ट करके नितिन को दिखाया और नितिन वॉज वेरी मच हैप्पी विद दैट। बहुत बढ़िया मजा आती, क्योंकि नितिन जी साथ हम एगो फिल्म कर चुकल छी द सस्पेक्ट, और बहुत बढ़िया वो डायरेक्टर छथिन, बतबै छथिन बढ़िया जना, और खूब बढ़िया जना मदद करै छथिन एक्टर का। तो बहुत डिफिकल्ट रोल दिलैथ हँ, देखै छी कते हम मैं भी नमस्कार कहना चाहूँगा आप लोगों को। ये रोल तक पहुँचने के रास्ते कैसे रहे, तो उन रास्तों में पहला पड़ाव था नितिन जी से मुलाकात होने से पहले, बहुत पहले, बहुत पहले मेरी गुजारिश रही थी कि मैं मिलूँ उनसे, बातें करूँ, तो लिखना चलता रहा कि मैं मिलना चाहता हूँ फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे। अंततः मुझे मुलाकात हुई, और मुलाकात हुई तो जो बातें हुई वो जैक्सन हॉल्ट से संबंधित ही बातें हुई, मैथिली भाषा, जैक्सन हॉल्ट और उसका ये करदार स्टेशन मास्टर। फिर अहाँ से हाथ मिलवे के मन भ रहा है जी। लेकिन किरदार इतना आसानी से मेरे हाथों में नहीं आया, निर्देशक को जब तक मुझ पे भरोसा नहीं हुआ तब तक उन्होंने छोड़ा नहीं मुझे। तर अक्सर मेरे पास व्हाट्सएप में जाया करता था कुछ मैसेज कि स्टेशन मास्टर कैसा होगा, इसकी गर्दन कैसी होगी, आंखें कैसी होगी, हाथ कितना चलेगा, स्माइल कैसी होगी, मुस्कुराएगा कैसे, या बिहेवियर क्या, जेस्चर, पोस्चर, चरित्र चित्रण के तमाम जो पहलू होते हैं उन पर उनकी गहरी तरीके से कुछ कुछ पॉइंट लिखकर भेजे गए थे मेरे पास, और मैं उसे पढ़ता था। ऋषि बाबू